नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड में आप किस तरह से एक अच्छे से लेटर हेड या लेटर पैड डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में चले जाइए और इंसर्ट में जाके आप शेप में चाहिए, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, शेप में जाने के बाद आप यहां से एक ऐसा शेप लीजिए जो जैसे ये वाला, आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला शेप अगर आप लेंगे तो आपका एक अच्छा डिजाइन आपको मिल सकता है। ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं इसे जनरली लेता हूं। ठीक है, और इस शेप को यहां पर मैं शेप को बनाया। ठीक है, लेकिन ये दोनों तरफ बराबर करना है, उसके पहले मैं शेप का थोड़ा डिजाइन कर दूं, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको छोटा, अपने हिसाब से आप देख लेना आपको जिस तरह का चाहिए। और इसको फिल कर देता हूं, किसी एक कलर में इसको फिल कर दिया, और इसका शैडो एक किसी भी तरह का एक शैडो इसका दे देता हूं, नीचे की तरफ ठीक रहेगा। और शैडो को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इसको बराबर में, ठीक है, थोड़ा सा चलिए ऊपर। और शैडो का कलर, जी शैडो का कलर जरूर आप यहाँ पे देना, शैडो का कलर थोड़ा डार्क में कर देते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद आए आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मैंने लिया और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इधर से खींच के और ऊपर भी तरफ, चलिए ऊपर तो हो जाएगा, दोनों तरफ थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा करके खींच देता हूँ, और ऊपर कीबोर्ड की एरो की मदद से आप पर आ जाइए। और इसका जो आउटलाइन है, एक्चुअल में आउटलाइन आपको नो आउटलाइन कर दीजिए तो अच्छा सा दिखने में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लोगो पेस्ट करता हूँ। ठीक है, लोगो देने के लिए मैं इंसर्ट में जाता हूँ और शेप से सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज कि यहाँ पर एक लोगो इस तरह का, ठीक है, और इसका भी कोई एक शैडो वगैरह, और शैडो को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा अंदर की, चलिए थोड़ा बाहर, और शैडो का कलर भी यहाँ से आपको जो भी कलर आपको सूट करे आप देना चाहते हैं अपने शैडो में वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लोगों के अंदर मैं एक पिक्चर सेट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, जब फॉर्मेट में जाएंगे तो शेप फिल, ठीक है, शेप फिल में जब आएंगे तो यहां पर एक पिक्चर ऑप्शन आएगा, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं पिक्चर, तो पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको अपने कंप्यूटर पर पिक्चर सिलेक्ट करने को मिलेगा, जहां आपने जो भी पिक्चर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं यहां पर अपना लोगो ही इंसर्ट कर देता हूं, देखिए यहां पर लोगो आ गया है। ठीक है, तो और इस शेप का भी आउटलाइन में हटा देता हूँ, जबकि अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा लगेगा कि बहुत फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह होने के बाद आप यहाँ पर आप सिंपल अपना नाम, मोबाइल नंबर दे सकते हैं या अपना कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ कि जब आप यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कोई भी शेप ले लीजिए या टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स या शेप ले लीजिए। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, यहाँ से कुछ मत लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का आ गया है, तो और इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे नो फिल कर दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका आउटलाइन है यहाँ से नो आउटलाइन आप बाद में भी कर सकते हैं, लिखने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना कंपनी का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, और यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा साइज में आएगा। ओके, ठीक है, और होम बटन में प्रेस करेंगे, क्योंकि भी एंटर करेंगे तो जो था नीचे आ गया है, तो नीचे जब आ जाता है तो यहाँ आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं
अपना नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये दोनों के बीच में गैप जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जब जाएंगे, ये वाला जो पैराग्राफ ऑप्शन पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ इसको कैसे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे मोबाइल नंबर, ये मेरा ही नंबर है, ओरिजिनल ही नंबर है, मैं इसी से मैं काम चलाता हूँ। और यहाँ पर आप इसके कलर में जो आपको कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसे अगर थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल कर, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया है इसको, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपली एक नाम लिख के एक देख के मैंने कर दिया है। और अब चले आइए बिल्कुल नीचे, यहाँ पे आप यहाँ पर आपको शेप ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, और यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह जो फिल करना चाहते हैं तो उसको कोई भी कलर आप यहाँ फिल कर दीजिए, मैं इसी कलर को फिल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में चले जाइए, ठीक है। ऐड टेक्स्ट में जाके यहाँ पे आप एड्रेस में आप जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं, मेन रोड गली नंबर 3, इसको थोड़ा कैपिटल में कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। पिन नंबर यहाँ पर आप अपने हिसाब से, ये पिन नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ है, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है सिर्फ बस समझाने के लिए। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो जस्ट सेंटर पे आ जाएगा सिलेक्ट करके, ठीक है। कंट्रोल ई आप लिख सकते हैं, और इसको और भी इस बॉक्स के सेंटर पे करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चले आइए टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है पोजीशन, ये वाला पोजीशन में है, ये तो टेक्स्ट पोजीशन है, और इसको जस्ट आप छोटा कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने ठीक पोजीशन में, इसे थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए। और इसका कलर में आपको होम बटन पर जाइए, और यहाँ इसके कलर जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको पसंद आया वो कलर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भी वर जी, मैं अभी इसको चलिए इसको वाइट कलर दे देता हूँ, और इस शेप फिल को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जस्ट, ठीक है। और इनको थोड़ा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एड्रेस का हो गया है, आप छोटा करके इसको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये लेटर पैड हो गया है, आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एड्रेस हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से एमएस वर्ड में सिंपली देखो, इसको बनाने में मुझे जस्ट 5 से 7 मिनट लगा है। तो इस तरह से आप सिंपली अपना एक लेटर है तुरंत तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसी हिसाब से मैं वीडियो बना के आपको देता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका वाटरमार्क में, जैसे पेज के ऊपर वाटरमार्क होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं लोगों का वाटरमार्क करना चाहता हूँ, लोगों का ही, तो उसके लिए आपको इंसर्ट में यहाँ पे आपको पेज लेआउट जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तीसरा नंबर पेज लेआउट जो मेनू बार है वहाँ पे वाटरमार्क यहाँ पे मिलेगा आपको, वाटरमार्क में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट मत कीजिए, यहाँ से आप चले जाइए कस्टम वाटरमार्क में। कस्टम वाटरमार्क में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक तो नो वाटरमार्क है, यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट कीजिए, और आपके जो भी पिक्चर्स को आप देना चाहते हैं आप पिक्चर को सिलेक्ट इंसर्ट कीजिए, और यहाँ से वॉश आउट अगर आप करते हैं तो यहाँ से आप 200% कर दीजिए। तो ये देखिए क्लोज करके यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के है ना वाटरमार्क ये बन चुका है, ठीक है। आप छोटा करके भी देख सकते हैं वाटरमार्क इस तरह से है,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं वाटरमार्क थोड़ा डार्क में हो, मतलब अच्छा समझ में आए कि क्या लिखा है, तो आप यहाँ से वॉश आउट ऑप्शन को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक, तो अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अभी वाटरमार्क थोड़ा सा डार्क पोजीशन पे आ गया है, अब डार्क इस तरह का, ठीक है। इस तरह से आप अपना लेटर हेड को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना को अभी प्रिंट कीजिए और लेटर हेड को लगाइए और प्रिंटर पे, और ऑफसेट प्रिंट आपका अच्छा सा प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कि किस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप अच्छा सा एक लेटर हेड या लेटर पैड तैयार कर सकते हैं। तो आगे चल के इस तरह का और भी मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने देता रहूँगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद है इसको वीडियो को अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।